भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा, तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो, वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे पड़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे पर पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब दो और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने दो दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूटने लगता है। ओम ग्रम, ओम ग्रम, ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू भी मौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है, उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है, बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी जला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया
और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेबड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो? अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर चार पांच हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफनाकर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। ए, कौन है? अबे कहा? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे है? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूत,
भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। बताया तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे, ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है, हाँ? क्या रे? साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई? तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है, कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये है? जॉर्ज ने बताया। जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू देख बंटी क्या पक रहा है, वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ, छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल, कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज, चलो मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा।